बिस्तरी घर में लगे हैं, कोई हशर नहीं है इस टाइम घर का, चेक करें धूल ही धूल, मिट्टी ही मिट्टी। तो हम लोग चूंकि प्लान कर रहे हैं कि फर्नीचर थोड़ा बहुत चेंज करें, शायद फिर अपने कमरे का चेंज कर लें या फिर एजल के कमरे के लिए कुछ। अभी हनान भाई मुझे लेकिन फर्नीचर दिखा रहे हैं हमारे कमरे के लिहाज से। हनान केजल के साथ जब भी मैं ऐसे खेलता हूँ ना, बहुत 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 ज्यादा खुश होती है। और अभी अपना नाश्ता भी आ चुका है, नाश्ते में सबसे पहले हमें आज मिल गई है लस्सी। खुशी नहीं, आप तो लस्सी पीते ही नहीं हो, आपको कैसे खुशी होगी? हम पीते हैं ना। कोई सेंस है इस बात की? आप दूध पीते हो, आपको दूध से खुशी होती है ना, है ना? ओए होए 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 यार, खीर बारिश हो रही है आज तो, मजेदार माहौल और मीठे चोल बन जाए ना तो मजा आ जाएगा भैया। अच्छा बना लो मीठे चोल। ऊपर वाला हो गया, चले आ जाए आ जाए। आज तो मैं और अब्दुलरहमान भाई काम करवाते फिर रहे हैं। पहले एक काम कंप्लीट हो गया है, वो मैं दिखाता हूँ। अभी जो एक काम कंप्लीट हुआ है ना, वो है ये वाला। ये यहाँ पहले सुराख होता था, वो मैंने बंद करवा दिया। यहाँ पर भी सुराख था हमारी छत पर, ये भी बंद करवाया। ऊपर से भी बंद करवा दिया, सारी साइडें बंद हो गई है ना। हाँ ये पानी ना जाए, सिलिकॉन लगेगा इधर। हाँ जी सही है, ताकि बंद हो जाए और मजबूत हो जाए, है ना। यार अब्दुलरहमान भाई एक चीज वो छोड़ गए हैं। क्या सर? ये चेक करें, ये सुराख। नहीं नहीं इसका कुछ, यार पानी ना जाए। ना पानी जाएगा ही नहीं सर जी, ये शेड है। शेड तो है लेकिन इस सुराख से पानी के जाने की उम्मीद मुझे लग रही है। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। चलो ठीक, आजा आजा शाबाश, तू भी काम कर। ये कुकू बैठा है, ठीक है तूने पता है क्या करना है? कुकू को उठाना है और गाड़ी में रखना है, बेच दो। मेरा दिमाग खराब है, से बेच। ये मेरी जान है। ओ हेलो, इसको बेचा ना तो मैं तुझे ही बेच दूंगा, समझ आई? डेढ़ लाख में बेचता हूँ तेरी शक्ल, डेढ़ लाख बेचना ही नहीं है। शक्ल क्या है यार, तुम क्या उसकी रेट लगा दी हो? मैं भी कह रही है 4 लाख 5 लाख, बेचना ही नहीं। अच्छा इधर आना, बात इधर आना, इधर आ। आज मैंने कुकू के लिए इतना जबरदस्त केज बनवाया ना, भाई लोग बाहर बना रहे हैं, ये केज बन रहा है। उस्ताद जी वैसे ये आपको शॉप से ही रेडी करके ले आना चाहिए था, इधर आकर रेडी कर रहे हैं सर। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, मतलब इधर आके साइड पर जाकर ही आप बनाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे वो देख लें कि उधर एडजस्ट करके भी देख लेना कि पूरा आ रहा है कि नहीं। ये अब्दुलरहमान भाई चल यार इधर, आज काम बहुत ज्यादा है बेटा, तू भी काम कर। कुकू को उठाना है, वो देख भाग गया भाई। कुकू को उठाना है, गाड़ी में लोड करना है और ले जाना है इसको ग्रूमिंग करवाने के लिए, ठीक है? ग्रूमिंग करवानी है, कटिंग करवानी है इसकी, और फिर इसे ले आना है घर वापस। और अपनी शाम को चलेंगे, अपनी दोनों चलेंगे कटिंग के लिए। अब्दुलरहमान भाई आप तो पूरे आ रहे हैं, लेकिन कुकू पूरा आ जाएगा, आ जाएगा। ओहो ओ भाई ध्यान से क्या कर रहे हैं, ये पेंट अभी किया है? गीला है ना? गीला है। सर जी मैं ठीक हूं। आप सेट हैं? आप नहीं लेकिन बैठेंगे इधर, कुकू बैठेगा। चल इसको बैठा दिया और इसकी अब अच्छे से कटिंग भी करवा कर लानी है, ठीक है? चलो कुकू सही तरह से बैठ जाओ, शाबाश, ये गुड बॉय। अभी जी मैं रेडी हो गया हूँ क्योंकि मैंने जाना है बाहर एक और काम के लिए। तब तक भाई लोगों ने ये तीसरा अपना काम भी कंप्लीट कर दिया। पहला काम इनका था ऊपर छत कवर करना, दूसरा था कुकू का केज बनाना, तीसरा था ये फाइबर की छोटी सी छत बनाना, क्योंकि ये लाउंड्री एरिया है तो हमारी जो वॉशिंग मशीनें वगैरह थी ना वो गीली हो जाती थी बारिश में। तीन काम तो थे फाइबर वाले, जिसमें एक था कुकू का घर बनाना, दूसरा था पीछे शेड लगवाना, तीसरा था हमारी जो छत है उसको कवर करवाना, मतलब जो हवादार एरिया था उसको मैंने कवर करवा दिया। अभी चौथा मिस्त्रियों वाला काम है, जो कि यहाँ से दरवाजा निकालना है। चले जी, वो ईजल को फिर मेरी सीट पर बिठा दिया, आप ड्राइविंग करोगे? चलो जी अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि जाना है फर्नीचर देखने के लिए। फर्नीचर देखने के लिए आ चुके हैं और कवल को तो एजल तंग कर रही है इसलिए वो नीचे ही है। मैं हनान भाई के साथ ऊपर आ चुका हूँ। तो हम लोग चूंकि प्लान कर रहे हैं कि फर्नीचर थोड़ा बहुत चेंज करें, शायद फिर अपने कमरे का चेंज कर लें या फिर एजल के कमरे के लिए कुछ नया खरीद लें, देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी हनान भाई मुझे लेकिन फर्नीचर दिखा रहे हैं हमारे कमरे के लिहाज से। हनान भाई ये वाला बेड है यार, ये बहुत जबरदस्त है, ये क्या, इसकी डिटेल क्या है? इसकी डिटेल है कि ये मसाजर है
ढोल बजी आपको तंग करे तो बस कान में बड्स रखे और ये मसाजर है। ये मसाजर है, ये मतलब चलता कहाँ से है? ये चलता है। अच्छा ये भी है इसके, ये इसका रिमोट है, ये आप इसको यानी मसाजर पूरा ही प्रॉपर है। अच्छा अच्छा। इसके बाद ये लैपटॉप टेबल है, यहाँ पे आप रख। अच्छा ये लैपटॉप टेबल है, खाना वगैरह खा सकते हैं। और उसके बाद ये वाला, ये साउंड सिस्टम, ये साउंड सिस्टम है। एक और आपको इसके साथ नीचे दिखाता हूँ, उसके अंदर इसे भी बड़ा पूरा वूफर वगैरह के साथ पूरा साउंड सिस्टम। अच्छा, बेड के अंदर, बेड के अंदर पूरा वूफर साउंड सिस्टम। अमेजिंग। तो ये वो कपड़े रखने वाला है इसमें? नहीं नहीं, कपड़े रखने वाला नहीं है ये। ये एक मिनट, इसका मोबाइल करें सर, इधर मोबाइल इधर करूँ, जरा देखिएगा क्या निकलता है अंदर से। अच्छा, कपड़े रखने वाला रिमोट से खुलता है? कपड़े रखने वाला कुछ और देखें सर, उधर से आके देखें ना। अच्छा, उधर से आकर देखूं, देख लेते हैं जी, उधर से आकर देख लेते हैं। ये बेड बड़ा हैवी किस्म का बनाया है, मसाजर है और भी बहुत सी चीजें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टीवी है यार, ये तो बहुत जबरदस्त है। बड़ा टीवी भी लगा सकते हैं, मतलब कोई भी आपसे किसी भी साइज का टीवी लगा सकते हैं, है ना? जबरदस्त है यार अनान भाई। अच्छा, टीवी वैसे ये साथ में मिलता है कि आप उतार लीजिए? आपको दे देंगे साथ। अच्छा, गजब टीवी वाला आदमी, थैंक यू सो। टीवी चाहे तो आपको मिल जाएगा साथ, इसमें हम कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अनान भाई कितने का वैसे? ये भी यहाँ, ये वही आपका स्टैंड आ जाता है, स्टडी टेबल, जैसे बच्चे रात को तंग करते हैं, आपने खुद ही यूज किया तो आप इसको आराम से वो रीडिंग लैंप वगैरह जो है वो कर लें। ठीक है। ये आपका थर्मस आ गया, अच्छा, यहाँ पे बोतल वगैरह आप अंदर रख सकते हैं रात को बच्चों के। ये कटलरी सेट आ गया, यहाँ पे ग्लासेस वगैरह आपके पूरे जो आ जाएंगे, मतलब आप बेड में पूरा आराम से सुकून वाला सिस्टम रखें। यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या है, ये इधर आ जाएगा, सोफा, पीछे करेंगे सेट हो जाएगा, एजल वगैरह की चीजें आप रखनी। अच्छा अच्छा अच्छा, चीजें भी रख सकते हैं, कोई भी चीज है तो वो भी आ जाएगी इसके साथ, पूरी साथ। तो ये है ना भाई, कितने का सेट ये बोल कर भाई? तकरीबन आजकल जा रहा है ये 890 का सेट पूरा, 890 8 लाख, मतलब अप्रोक्सीमेट 9 लाख रुपए का बेड है जी। इसमें 23 लाख का भी था, इसी में 23 लाख रुपए का बेड, जो मेरे अपने रूम का फ्रिज बेड है उसमें फ्रिज भी है, अच्छा फ्रिज भी है, माइक्रोवेव ओवन भी है। वो कितने का है? वो तकरीबन है कोई 15 लाख का, 15-16 लाख का। क्या बेड आ गए भाई, हम लोग पता नहीं किस जमाने में घूम रहे हैं। अभी जी खाना खाने के लिए आ गए हैं, खरीदने तो फर्नीचर आए थे, लेकिन हनान भाई ने कहा खाना खाए बिना नहीं जाना। ठीक है, खाना शाना खा लेते हैं। अभी हनान भाई ने बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेज हमारे लिए मंगवा ली हैं। थैंक यू सो मच हनान भाई, वैसे मुझे भी देसी फूड ही पसंद है। आपको भी? आपको भी? मुझे भी देसी फूड ही खाने का मजा। चल झूठा। अभी जी खाना शाना खाने के बाद बस फाइनली घर जा रहे हैं। वापस घर जाकर देखूंगा कि जो काम काज अपने करवा रहा था वो कहां तक पहुंचे हैं, और मिस्त्री ने काम मुकम्मल कर दिया या नहीं किया, या फिर जो फाइबर वाले काम थे वो भी सही तरह से हुए हैं या नहीं, लेट्स सी। अभी जी मैं पहुंच गया हूं घर, और सबसे पहले आते ही मैंने देखा है कू का केक, जो कि बहुत ही जबरदस्त रेडी हो चुका है। सुबह बाकी आपको दिखाऊंगा जब ही कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा, अभी बस इसका ये फ्रेम श्रेम बना, बाकी जो नीचे के मामलात करने हैं और पूरी तरह से कुकू का घर रेडी करना है वो मैं आपको कल तक रेडी करके बताऊंगा इंशाल्लाह। ये भी सही तरह से रेडी कर गए हैं, और मिस्त्रियों वाला काम, ओ हो, मिस्त्री घर में लगे हैं, कोई हशर नहीं है इस टाइम घर का, चेक करिए, धूल ही धूल, मट्टी ही मट्टी। ओहो, ये क्या, पूरी तरह से नहीं रेडी किया, आधा अधूरा ही छोड़ गए काम। ये सुराख तो कर दिए, लेकिन सुराख नीचे तक करना था, तकरीबन आधा सुराख हो गया ये वाला, आधा रह गया। चलो शायद कल तक कंप्लीट हो जाएगा ये। और तेरी ड्यूटी लगाई थी मैंने, तू आकर सो गए, बयान सुन रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नेक बंदा। कुकू का है नीचे, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, वो उसकी ग्रूमिंग करवा ली है, कटिंग आ जरा देखते हैं। अच्छा तो इधर है कुकू साहब, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, नहा के क्यों आज खुद लेकर गया, उसने तुझे पहली दफा छूने दिया खुद को, ये शुगर कर, बहुत प्यारा लग रहा है, कटिंग शटिंग सही करवा ली है, ये सारे बाल उतरवा दिए कुकू के। कुकू क्या हो गया, क्या हो गया बॉस, कटिंग सही हो गई है कुकू की यार, अच्छा है, इसको गर्मी कम लगेगी। ये सारा कोट उन्होंने उतार दिया है ना, कितने कितने बाल उतारे हैं? 2-2 इंच। 2-2 इंच, तभी थोड़ा कमजोर कमजोर भी लग रहा है मुझे, लेकिन साफ सुथरा हो गया, गर्मी से बचत हो जाएगी, इसलिए मैंने कुकू की कटिंग करवाई है। वैसे तो मैं खाना शाना खा पी कर आया हूँ, लेकिन इस बंदे ने अभी खाना खाना था तो मुझे इसको देखकर फिर से भूख लग गई, इसलिए मैं अभी पीने लगा हूँ गर्मा गर्म रोश। ओहो, और इसको पीने के बाद मैं हो जाऊंगा सरफरोश। और ये है हमारा फ्रूट फरोश नली। मैं नहीं खाता यार, तुम खाओ, मैं नहीं खाता, मैं जो खाता हूँ वो मैं खा रहा हूँ।
ठीक है यार। आज का सारा दिन तो घर के कामकाज में गुजर गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दो दिन मजीद लग जाएंगे इन कामकाज में, क्योंकि घर के काम बंदा छेड़ लेता है, लेकिन वो इख्ताम तक पहुंचते पहुंचते जितना टाइम आपने सोचा होता है ना, उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मुझे भी कुछ इस तरह की उम्मीद लग रही है, क्योंकि आज भी मिस्त्रियों ने कहा था आज के दिन में आपका काम कम्प्लीट कर देंगे। एक ने तो अपनी बात के मुताबिक वाकई कम्प्लीट कर दिया है फाइबर वाले ने, लेकिन दूसरा जो मिस्त्रियों वाला काम है, तो मिस्त्रियों के मुतालिक एक खास कहावत भी है ना कि मिस्त्रियों को घर में एंटर कर लेना आसान हो, लेकिन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर हम लोग अच्छा अच्छा सोचते हैं और इस किस्म की कहावत को इग्नोर करते हैं। उम्मीद है कि कल परसों तक कंप्लीट कर देंगे अब मिस्त्री हमारा काम। खैर आप भी यार मेरी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें, और हमारे चैनल को क्या कहता हूँ मैं डेली आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर। आपके पास 2-3 सेकंड भी नहीं है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या इतने बुरे हैं हम यार? क्या आपको हमारी शक्ल से मोहब्बत नहीं हुई? नहीं। डेली देखते हो फिर भी मोहब्बत नहीं हुई? क्या 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 मतलब इतना मनहूस क्यों? इतना मनहूस दिखता हूँ मैं क्या? अजीब बात ना। खैर छोड़ा यार, मजाक से निकल कर आप कर ले पहले चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल के आइकन को क्लिक कर ले, और अपने भाई को आज के ब्लॉग से दे दे इजाजत। लेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।